इसको बोरो ही कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसको बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से पाई, तो आप भी वहीं से आके पा सकते हो। ये किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो तकरीबन 9 पेजेस का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना होगा वो सो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लोन पाओ यूट्यूब चैनल पे। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाता के बारे में। कौन सा खाता? बचत खाता के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है। और अगर जो भी लोग जो है आज की डेट में अगर बहुत सारे जो है अकाउंट्स की तरफ इंटरेस्टेड है, डिपॉजिट अकाउंट्स की तरफ, तो आपको पता है सैलरी अकाउंट भी होता है, तो उसके बारे में भी हमने बता रखा है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इन सब चीज़ों से हटके एक ऐसे खाते के बारे में जो कि बिजनेस करने वाले लोगों को काफ़ी हद तक ज़रूरत रहती है, या फिर ये कहा जाए कि जो दुकानदार है, रिटेलर है, या फिर अगर छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स भी होते हैं ना, जो छोटे छोटे आप व्यवसाय में, क्योंकि वो उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काउंट हो जाता है, तो अगर वो सारी चीज़ भी करते हैं तो उनके लिए भी करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे में जिन लोगों को अपना चालू खाता खोलना या बिजनेस खाता भी कहते हैं, जिसको करंट अकाउंट के नाम से आप लोग जानते हो, उस खाते को कैसे ओपन करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये किस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस बैंक में आप आज हम अपना चालू खाता खोलेंगे। तो वो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड है, जहाँ पर हमने इसके लोन सर्विसेज के बारे में बात की हुई है, डिपॉजिट प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे करंट अकाउंट है, तो ऑलरेडी एक करंट अकाउंट के ऊपर वीडियो मैं दे चुका हूँ, जो कि है बैंक ऑफ इंडिया का स्टार जनरल करंट अकाउंट। इसके बारे में, क्योंकि ये करंट अकाउंट सभी व्यक्तियों के लिए था, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब इसके अंदर हम करंट अकाउंट यानी चालू खाता के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन एक स्टेप ऊपर उठ के हम बात करेंगे बीओआई सिल्वर करंट अकाउंट के बारे में। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सोचा इसके बारे में बता दिया जाए, ताकि इसके अंदर कौन कौन से लोग जो है अपना खाता खोल सकते हैं, मतलब इस खाते को बेसिकली कौन से व्यक्तियों को खोलना चाहिए, जिनके आज की वीडियो में उनको जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपकी काम की चीज़ है। और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके पास उनका चालू खाता नहीं है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को भी पता है क्या करना है, जाके लोन पर्सन को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलें ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। और कॉमेंट करके आप हमें फीडबैक अपना ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप्स प्रोसेस की बात होगी। तो भाई आपको पता है वीडियो जो देख रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे ये जो है टाइटल होता है, टाइटल पर जैसे ही टाइप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ आ जाने के बाद सबसे पहले आपको पता है ये वेबसाइट जो है प्रॉपर तौर पे आपकी फाइनेंशियल साइट है, और एक तरीके की जो है बैंकिंग एंड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो प्रोसेसिंग होती है सबके बारे में। अब मेन्यू बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज जो मिलती है, इसके अंदर आपको काफ़ी कैटेगरीज है, और हमें जो अकाउंट ओपन करना है वो करंट अकाउंट है, और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ही हमें ये चीज़ मिलती है, तो करंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर जो अलग अलग बैंक जो हमें करंट अकाउंट ओपनिंग के ऑफर्स करते हो, सबकी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। अब ऐसे में हमें बैंक ऑफ इंडिया की तरफ फाइंड करना है, तो आप ESS भी स्क्रॉल कर सकते हो, और चाहो तो आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप मेन्यू बार पर जाओ और यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से सर्च करना है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया और करंट डाल के आप सिंपली तरीके से सर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, नॉर्मल सा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे आप लोग आर्टिकल पे, तो आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में मिल जाएगी कि बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन जो है इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है, कितने टाइप और कितने कैटेगरीज के करंट अकाउंट यहाँ पे मिलते हैं, और ओवर सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर से पढ़ेंगे, ताकि आर्टिकल को पढ़ने के साथ ही आपके बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस करंट अकाउंट को ओपन करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ज्यादातर जो व्यापारी होते हैं या ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके ज्यादातर अकाउंट जो है करंट अकाउंट ही होते हैं। सेविंग्स में वो जैसे अपने पैसों को सेव करने के लिए भी ओपन करते हैं, वरना मोस्टली करंट अकाउंट ही रखते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि करंट अकाउंट में, क्योंकि देखा जाए तो जो बेसिक जो फायदा है होता है सेविंग्स अकाउंट में, पता है कि आपको एक सालाना इंटरेस्ट फंड होता है आपके सेविंग्स फंड पे, जो करंट अकाउंट में बेसिकली वो चीज़ नहीं हो पाती, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इतनी फायदेमंद नहीं है। लेकिन इसके केस में अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन वो आपको जब इस पर आप फोकस होगे तभी आपको समझ में आएगी। बाकी सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मिलेगी, तो आप इस आर्टिकल को अपने कोई भी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं कि अब जब आर्टिकल को आप पढ़ लोगे तो अब आगे क्या करना है। आर्टिकल के ही अंदर आपको जो है एक विजिट की लिंक देखने को मिलेगी, जो कि आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको मिलती है ये विजिट की लिंक। तो ये जो विजिट की लिंक आपको देखने को मिल रही है, सिंपली आपको इस पर टाइप करना है, एक्चुअली में लिंक है जो सीधा रिडायरेक्ट करेगी आपको बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। और जैसे ही आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुलेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इंट्रो में आपको जो है जो वेबसाइट दिखाई थी वो सेम वही वेब पेज है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, सारी चीज़ वैसे ही है जो मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया का सिल्वर करंट अकाउंट की तरफ हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जनरल करंट अकाउंट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लर्न मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी कि क्या कुछ है यहाँ पे, क्या फीचर्स हैं, क्या यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ जो फीचर्स में वो ये है कि कैश विड्रॉल जो है आप लोग
₹50 पर डे के हिसाब से कर सकते हो एट अदर देन बेस ब्रांच। और फ्री कलेक्शन जो है वो NEFT RTGS एंड फ्री NEFT RTGS पेमेंट थ्रू जो नेट बैंकिंग है। बाकी 25% वेवर है ऑन प्रोसेसिंग और रिटेल लोन्स पे, ठीक है, यानी 25% की छूट है प्रोसेसिंग चार्जेस पे जब भी आप कोई रिटेल लोन्स लोगे। बाकी फ्री स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होगा, वेवर ऑफ AMC चार्ज यानी एवरेज मंथ AMC चार्जेस एंड डीमेट अकाउंट फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो फीचर्स के बारे में बात हो गई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें के बारे में मेंशन की नहीं गई है, क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जो आपको नॉर्मली सबको ही पता होती है कि देखो करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट का बेसिकली यूज़ जो है यहाँ पे आपको अपने पैसों को सेव करने के लिए, इनिशियल जो है आपको विड्रॉल्स करने के लिए है, इनिशियल ट्रांजेक्शन हाइएस्ट अमाउंट तक करने के लिए। वरना आपको पता है आपको जैसे अलग अकाउंट्स में जो है कई बार ऐसा होता है कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके बिजनेस पे ही अगर पैसे की लिमिट लग जाएगी तो फिर आप व्यापार कब करोगे? तो वो चीज़ समझने के लिए आपको जो है एक अच्छा करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से स्टार जनरल करंट अकाउंट के अलावा जिनका थोड़ा सा बिजनेस अप है, हायर है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे BOI सिल्वर करंट अकाउंट जो है एक बेस्ट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको इस करंट अकाउंट के बारे में ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। फिलहाल जितनी वेबसाइट पर अवेलेबल थी मैंने उतनी बता दी है। और बारी आती है इस अकाउंट को ओपन करने की, तो हम करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। तो बात करते हैं हम लोग करंट अकाउंट की यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप दो तरीके से पा सकते हो, और सबसे जो बेस्ट तरीका वो यही है कि आप ब्रांच पे विजिट करो, आप ऑन द स्पॉट इसको बोरो ही कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसको बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से पाई, तो आप भी वहीं से आके पा सकते हो। ये किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो तकरीबन 9 पेजेस का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना होगा वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जो मेन सेक्शन है यहाँ पे फर्स्ट नेम से शुरू कर सकते हो, ठीक है। टाइटल ऑफ भी चूज कर सकते हो, नेचर ऑफ एक्टिविटी बता सकते हो आपके बिजनेस का, और नेम ऑफ जॉइंट होल्डर वगैरह जो भी है वो बता सकते हो अगर जॉइंट में करना है तो। बाकी ये फर्स्ट नेम से शुरू करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका पैन कार्ड वैसे बताना है, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना है अगर आपकी कंपनी है तो, और इन केस ऑफ माइनर है तो वही बता सकते हैं। बाकी मेलिंग एड्रेस क्या होगी वो चीज़ आपको लिखनी होगी। देन नीचे जाना है आपको परमानेंट एड्रेस क्लियर करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस बताने के लिए आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसपे जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उस पर टिक करके उस डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर देना है। इसी तरीके से चॉइस ऑफ अकाउंट पर जाओगे तो नीचे आपको जो है बहुत सारे अकाउंट्स के ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपको करंट पर टिक कर देना है, ठीक है। और बहुत सारे इसके अंदर अकाउंट के जो है अलग अलग नाम भी, जैसे कि देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट अकाउंट का करंट प्लस है वो वहाँ पे मेंशन है। और करंट अकाउंट में हमें अगर प्रो करंट अकाउंट को या हम बात करते हैं कि हमें जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम सिल्वर करंट अकाउंट को ओपन करें, तो करंट पे आके बैंक ऑफ इंडिया सिल्वर करंट अकाउंट पे आपको जो है लिख सकते हो या फिर उसी को टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऊपर आगे आपको आगे बढ़ना है, पेमेंट डिटेल्स ऑफ फॉर अकाउंट ओपनिंग वो आपको देना पड़ेगा किस तरीके से करोगे, ठीक है। मैंडेट फॉर अकाउंट ओपनिंग टू बताना है, एंड चेकबुक रिक्वायरमेंट, स्वीप ट्रांजेक्शन रिसर्चेज को कंप्लीटली बनेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है, जैसे कि डू यू हैव रिलेटिव्स इन बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपके हैं तो बता सकते हो और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देने के बाद बाकी के आपके असेस और एसेट ओनरशिप बताने के बाद नीचे की चीज़ों को कंप्लीटली करना है। फोटोग्राफ को आपको अटेस्ट करना पड़ेगा, और साथ ही में यहाँ पे आपको चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से नीचे देख सकते हो, बिफोर बैंक यूज है तो उसको छोड़ देना। बाकी जहाँ पे आपके सिग्नेचर चाहिए प्रेजेंस में वहाँ पे सिग्नेचर भी कर देना, जहाँ पे आपके सिग्नेचर को ऐड है, जैसे कि इन 3 जगह पे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट और ये आपकी जो है ये होगी तकरीबन फॉर्म नंबर 16, अपेंडिक्स अपेंडिक्स है भी एंड नॉमिनेशन फॉर्म है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको समझ में आ गई होगी कि करंट अकाउंट के ओपन करने के फॉर्म कुछ इस तरीके से होंगे। और क्योंकि हम सिल्वर करंट अकाउंट की यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो सिल्वर करंट अकाउंट की बात कर रहे थे, तो आपको जो है अगर वहाँ पे लिखने का ऑप्शन आता है तो सिल्वर करंट अकाउंट को भी जो है करंट टिक करके बाद लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट को टेस्ट कर देना है सिंपल तरीके से। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि एवरेज मंथली या क्वार्टरली बैलेंस को कितना मेंटेन करना पड़ेगा वो आपको मे बी बैंक ब्रांच पर पता चले, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो वेबसाइट पर अवेलेबल थी नहीं। बाकी यही था वीडियो के अंदर, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई हो और कितना ज़्यादा बेटर हो सकता है करंट अकाउंट ओपन करना आपका बैंक ऑफ इंडिया में वो आपको समझ में आ गई हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप जरूर से कर सकते हैं। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।